दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। मजलिस खिताब फरमाएंगे उस्ताद मोहतरम सरमाया मिलत जाफरिया अलामा ज़हीर शान जाफरी साहब, इनके बाद रज़ा अब्बास काजमी ज़ाकिर अली लताफ़ जाफरी और अख्ताम मजलिस पर ज़ाकिर अली इमरान जाफरी साहब खिताब फरमाएंगे। सरकार अलामा ज़हीर शान जाफरी साहब शनुदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीब कुलूबिना व तबीब नफूसिना अफजलिल अव्वलीन व अशरफिल आखिरीन अर रसूलिल मुसद्दद महमूदिल अहमद खातमिल अहमद अबी ज़हरा मुहम्मद। वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाहिम अलौनीन अजमईन अम्मा बादु फ़कद कालल्लाहु तबारक व ताला फ़ी मुक़मे किताबिल हमीद व हुवा अस्तकुल कायलीन व कौलुल हक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुसिरा दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। इंतहाई वजबुल एहतराम आज़ादाराने रईस करबला वसोक वराने असीराने करबला दरसगाहे रईस करबला की इस पाकीज़ा मजलस अज़ा के लिए मैंने एक शोराए आफाक आयत को उन्वाने सुखन करार दिए जिसमें ज़ाते अहदियत ने मेरे नबी का भी तारुफ़ करवाया है और मेरे नबी के साथ भेजी हुई अशिया का तारुफ़ भी करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने अफराद बैठे हो मेरे लिए बायस इज़्ज़त हो, मैं एक लफ्ज़ कहना चाह रहा हूँ कि याद रखो अल्लाह कहते हैं ओ वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने नबी को दो चीज़ें दे के भेजा, एक हदायत है और दूसरा दीन हक है। अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो मैं बड़ी जल्दी से एक नतीजा देके आपकी जहमतों को तमाम कर दूंगा। मेरा नबी दो चीज़ें लेके आया, एक हदायत है और दूसरा दीन हक है। अजीब लुत्फ वाला मामला है, इतना अमीन नबी है डॉक्टर साहब, इतना अमीन नबी है, लेके भी दो आया है दे के भी दो गया है। ऐ मिजाज है जी, लेके भी दो आए दे के भी दो गए। जो दो लेके आए एक हदायत है दूसरा दीने हक है। जो दो दे के गए हैं एक कुरान है एक अपनी अहले बैत है। नबी हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर हदायत लेनी है तो कुरान से लेना, अगर दीन लेना है तो अहले बैत से लेना। अल्लाहु अकबर यार, हाथ भी बुलंद है, हर बंदा मेरी तरफ मतवज्जे है। मैं जिम्मेदारी से डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त मेरी मजबूरी है, याद रखो इस पे मैं किताब लिखने की पोजीशन में हूं। जिसने कुरान छोड़ के हदायत ली उसकी हदायत ठीक नहीं, जिसने अहले बैत छोड़ के दीन लिया उसका दीन ही ठीक नहीं है। अल्लाहु अकबर, हर बंदा तैयार हो गया। याद रखो हदायत का माखज का नाम है कुरान, जिसे अल्लाह ने जुबान दी है। हदायत के माखज का नाम है कुरान और दीन के माखज का नाम है अहले बैत। मेरे नबी फरमाते इन्नी तारिकुम फीकुम उस्सकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, मैं तुम में दो हम वजन चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तवज्जो मेरी तरफ रे भाई, मैं तुम में दो हम वजन चीजें, बड़ी जल्दी है मुझे भी। इन्नी तारिकुम फीकुम उस्सकलैन, मैं तुम में सकलैन छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम में। ये तो अजीब अब लम्हा फिक्री है, बंदे परेशान हैं कि आज से तकरीबन 5 साल पहले तक यही हदीस थी कि इन्नी तारिकुम फीकुम उस्सकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती। अब हदीस आ गई है मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान है, थोड़ी मुस्कुराहट भी मैनू दा दे, एक अल्लाह का कुरान है एक अपनी सुन्नत है। और याद रख
कुरान थ्योरी है। नहीं पीछे रह गए हो, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं। कुरान थ्योरी है। आजकल बड़ा बंदों को शौक है कि ये कहां लिखा है कुरान में। सही है ज्यादा, आजकल बड़े बंदों को जब सब ये शौक बन गया कि ये कहां लिखा है कुरान में। मिम्बरे रसूल दी कसम है, अगले दिन एक बंदे मैनू आके कि भला ये मजलिस में बोलना कहां लिखा है। जरा सारे तुसी मिम्बर वाले आंदे हो बोलो ये कहां लिखा है। बड़े बंदे मुतमिन होके दो सवाल इन दिनों में गुजरात जलालपुर जट्टा, बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है, एक गांव में गया शिया बंदा मोमिन बंदा, मुझे देख के कहता है किबला चूंकि शोहदाए करबला में भी एक नाम यजीद है तो किबला यजीद नाम रखने में कोई मसला तो नहीं। कैसे कैसे सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैंने भी चूंकि गदागरी की है आले मोहम्मद की, मैं क्या बिल्कुल मुजायका नहीं, लेकिन जहन में रख तू बेटे का नाम यजीद रखेगा जब महफिल में आएगा लोग कहेंगे यजीद के अबू आ रहे हैं। नहीं जो हाथ बुलंद हुए हैं मालिक इज्जतों में इजाफा करे। सवालों के आजकल बड़े बंदे हर किस्म के सवाल कर देते हैं तो हमें ये खैरात है। मैं पढ़ने वालों को रोज ये फरमाने जाफर सादिक फरमा पढ़ रहा हूं, मेरे मासूम फरमाते हैं, मासूम फरमाते कि अगर हमारी वकालत कर रहे हो, हमारा मजहब बयान कर रहे हो, एक बंदा तुमसे सवाल करता है तुम्हें नहीं भी जवाब आता फौरन हमसे तवस्सुल करो, बोलना तेरा काम है जवाब देना हमारा काम है। ये जो हाथ बुलंद हुए हैं जी, हाथ जो बुलंद हुए हैं, बोलना तेरा काम है जवाब अता करना। एक बंदे ने उस दिन मुझे कहा कि किबला ये मजलिस में बोलना कहां लिखे। फिर रुखसार शाह बंदा सवाल कर ही सकता, उसने कहा जी बोलना कहां लिखे, मैंने कहा जी बिल्कुल लिखे, उसने कहा जी कहां, मैंने कहा मासूम अली फरमाते बोलो ताकि पहचाने जाओ। ऐ मिजाज है जी, बोलो ताकि पहचाने जाओ। खतीब बोलता है तो इल्म का पता चलता है, मजमा बोलता है तो मारिफत का पता चल, मजमा बोलता है तो मारिफत का पता चलता है। जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, आजकल बड़े बंदों को शौक है कि ये कहां लिखे ये कहां लिखे। आज मेरा सवाल है, मैं इस मजमे में अपने नौजवानों के सामने, ये जो बंदों को शौक है कि ये कहां लिखे कुरान में, ये कहां लिखे कुरान में, मैं मिंबर से कह रहा हूं फजर की दो रकत कहां लिखी है कुरान में। नहीं नहीं, जो हाथ बुलंद हुए जिनका कुरान का मुताले है परेशान ना हो, फजर हम भी फर्ज दो ही पढ़ते, फर्ज हम भी दो ही पढ़ते हैं, हमने तो उसे मानना ही नहीं जो फजर की चार पढ़ा के कहे थोड़ी हैं तो और पढ़ा दूं। ऐ जड़े तई दे चत बुलंद होए हो, हमने तो उसे तस्लीम ही नहीं किया। फजर की दो रकत कहां लिखी है कुरान में, जोहर की चार हैं कहां लिखी है कुरान में, मगरिब के तीन फर्ज हैं। चलो ऐसे बहाने कम अज कम गलत याद हो जाए ना, फजर की दो फर्ज है कहां लिखी है कुरान में, जोहर के चार फर्ज हैं कहां लिखे है कुरान में, मगरब के तीन फर्ज हैं कहां लिखे है कुरान में। बंदे कहेंगे याद रख कुरान इशारे देता है, प्रैक्टिकल जाते मुस्तफा है, यानी मेरा नबी फजर पे दो पढ़े तो दो पढ़ना सवाब है। तवज्जो है सरकार, याद रख कुरान थ्योरी है, प्रैक्टिकल अहले बैत है। वक्त में रहते हुए कुरान थ्योरी है और अल्लाह कहता है सकलैन इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, खत्म जी। मेरी तकरीर मौजूआती होती है और नतीजा देता हूं। सकलैन ये दुनिया की ग्रामर में और भाई जुल्फकार जी अरबी में फर्क है। दुनिया में वाहिद के बाद होता है जमा, लेकिन अरबी ऐसी नहीं, अरबी में वाहिद तस्निया और जमा, एक के लिए वाहिद, दो के लिए बोल पढ़ो यार, दो के लिए तस्निया। और याद रख हर दो को तस्निया नहीं कहते,
यही मेरा मशहूर है तो ये ते मैं नतीजा देना है। हर दो को तसनिया नहीं कहते, यानी एक मर्द हो एक औरत हो, ना इन्हें इमरातान कहा जाएगा ना राजोलान कहा जाएगा। दो मर्द हो तो कहा जाएगा राजोलान, इन्हीं को अरबी आई समझ ही लवो। दो औरतें हो तो कहा जाएगा इमरातान, याद रख। यानी तसरिया उन दो को कहा जाता है जो देखने में दो हो हकीकत में एक हो। नहीं हम पिछा रहे हो तकलीफ हो, ये देखने में दो हो हकीकत में एक हो। नबी फरमाते इन्नी तारिकुम फीकुम उस्सकलैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है एक अपनी अहले बैत है। नबी हमें समझाना चाह रहे कुरान और अहले बैत देखने में दो है हकीकत में एक है। नहीं जेडी मेरे तई दे बुलंद हो, देखने में दो है हकीकत में एक है। वक्त बड़ा महदूद है, मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, जिसे नहीं मेरी बात पर यकीन आए शरायत पढ़ के देख लो। बंदा साह लेंदा होवे दाद ना दे, खिताबत ना छोड़ दूं, सिर्फ तवज्जो शर्त है। याद रख आप शरायत देख लो, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, अहले बैत की मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी। इन हाथों पर मेरा सलाम है यार जो इस बात पे बोल रहे हो। याद रखो जो हुक्म कुरान का नतीजा, जो हुक्म कुरान का वही हुक्म अहले बैत का। याद रखो इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम उस्सकलैन, मैं तुम में दो हम वजन चीजें छोड़ के जा रहा हूं। यानी कुरान की समझ ना आए अहले बैत को मानो, वजह है सरकार कुरान की समझ ना आए अहले बैत से पूछो, अहले बैत की समझ ना आए कुरान से पूछो। अब नतीजा देके इतना आसान नतीजा दे रहा हूं, याद रख अब बंदे बिल पेश करके एहतराम करवाना चाह रहे हैं, जो मैं आज अहले बैत का एहतराम का एक लफ्ज कह रहा हूं। बंदे परेशान हो गए ना, बिल में सिर्फ सहाबा का एहतराम नहीं जिन्होंने अल्लाह जुबान देती है, क्योंकि बिल की कापी मेरे पास है, जिन्हों चाहिए हो मैंने हुक्म कर व्हाट्सअप कर देंगे ताकि अपनी गल पढ़ के वेख लो। बिल क्या है, एहतराम अहल सहाबा ओ उम्महात ओ अहले बैत, तवज्जो है सरकार। यानी जो बिल है वो सहाबा का भी एहतराम है। तो एहतराम की डेफिनेशन क्या है, ऐ मेरा मजमा हूं कौम बनो तो मैं लफ्ज कहूं। काजी साहब अब एहतराम की डेफिनेशन क्या है, कुरान पढ़ा हुआ है, एहतराम कुरान क्या है कि कुरान की मौजूदगी में मैं कोई और किताब ना पढूं। नहीं सदके यार ना थानू मेरा सलाम है, खुदा दी कसम है डॉक्टर साहब रोज शहर च पढ़ना ते रोज नवी मजलिस पढ़ना औखा काम है। मतवजे हैं सरकार, जिस जुमले के लिए मैंने बात की है एहतराम कुरान ये है। मैंने इंसाफ ना फैसला करके देना जे, बहुत बड़ा नतीजा दे के मैं जा रहा हूं। कुरान पढ़ा हुआ है, मैं डाइजेस्ट पढ़ता रहूं, मुझे इंसाफ से बताओ मैं डाइजेस्ट पढ़ता रहूं, नावल पढ़ता रहूं, कोई ड्रामा पढ़ता रहूं, ये कुरान का एहतराम है? नहीं। क्यों? कुरान के मुकाबले में कोई किताब नहीं पढ़नी। इना थानू हुण मेरा सलाम है जेडे इस सोहनी गल ते बोले हो। यानी कुरान का एहतराम ये है कि कुरान के मुकाबले में कोई किताब ना पढ़ी जाए। वो अहले बैत का एहतराम ये है कि अहले बैत के मुकाबले में किसी बंदे का एहतराम ना किया जाए। मालिक इज्जतों में इजाफा करे यार, मालिक इन इज्जतों को इजाफा करे। लेकिन बंदों ने न अहले बैत का एहतराम किए। एडी वड्डी आज दलील देन लगा, मैंने दरूद पे पूरा आशरा पढ़ा, मौजूए दरूद पे पूरा आशरा पढ़ा, लेकिन आज एक मारिफत का जुमला कह के और इसी पे सलाम है मेरा। मैनू ये नहीं पता होंगे मैं किन्ने बजे खलोता, ये पता होंगे मैं किन्ने बजे छड़ देने। और सारे पढ़ने वालों को ऐसा करना भी चाहिए कि कम अज कम पता हो कि मैंने कितने बजे छोड़ने। जिस जुमले के लिए मैंने सारी बात की है, याद रखो
ये जो दुरूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लम, क्या माने? इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, अल्लाह और अल्लाह के मलाइका नबी पे दुरूदो सलाम भेजते हैं। यही है हर मसलक के नजदीक मिर्ज़ा साहब, यही तर्जुमा है, अल्लाह भी और अल्लाह के मलाइका भी। एगो साड़ी कमजोरी है कि हमने मलाइका का मतलब फरिश्ते की है। दलील मैं पहाड़ तो वजनी दे सकना, अगर मलाइका का मतलब फरिश्ते होता तो सजदे का हुक्म मलाइका को था, इबलीस तो फरिश्ता था ही नहीं। नहीं नहीं, मैं जान बुझ के सिर्फ मौजू छेड़ रहा, पढ़ना नहीं चाह रहा। हुक्म तो मलाइका को था, इबलीस तो तवज्जो है सरकार, मलाइका मलक की जमा यानी ताकतवर, नहीं आपने लुत्फ ही नहीं लिया, यानी उस दौर में जितनी भी मखलूकात थी सबको हुक्म था कि आदम को सजदा करो। हुण मैं इसे लिए मलाइका का मुख्तार तर्जुमा किया, अल्लाह और अल्लाह के मलाइका नबी पे दुरूद पढ़ते। ए साहिबान ईमान, तुम भी उन पे दुरूदो सलाम भी पढ़ो, वसल्लमू तस्लीमा। ये तो अगली मंजिल है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे मेरे जवान जो बैठे हो, ये लफ्ज लेना कि बला पहला लफ्ज है सल्लमू, दुरूदो सलाम भेजो। ए जेड़ा एक दूजे ना सलाम लई दे, क्या मतलब है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। साहेब इरफान फरमाते हैं कि सिर्फ हाथ से हाथ ना मिले बल्कि तूने उस पर सलामती की है, कि यानी तेरी जान भी महफूज है। नहीं जेड़े कोई इलमी गल ले सकते हो, सलाम करने का मतलब ये है कि तेरी जान भी महफूज है, तेरा माल भी महफूज है, तेरी इज्जत भी महफूज है। ओण सवादी गल है यार, कुरान दी कसम है, कसम इहदे ते अशरा पढ़िया जा सकता है। अल्लाह ने क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ए साहिबाने ईमान, तुहाडा सलाम इंज है तो जिन पे दरूद है। अब साहिबे ईमान वो है कि जिससे अहले बैत का माल भी महफूज हो। ए मिजाज है जी, अलहमदुल्ला नवी गल ते भी एडा सोना दाद दें दे। माल भी महफूज हो, जान भी महफूज हो, इज्जत भी महफूज हो। लेकिन अजीब बंदे पढ़ते भी उन पे दरूद रहे, लेकिन दरूद वालों की ना जान महफूज रही, दरूद वालों का ना माल महफूज रहा। गैरतमंद लोगों, आज 13 सफर है और मुसलमान तो नमाज में इन पे दुरूद भी पढ़ते, तो ये सैयदों का घर ऐसे उजाड़ है, कभी सैयद कहीं सफ़े अज़ा बिछा के रो रहे हैं। ये पर्दादार रहे उड़ो, मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, आज उसके नाम की मजलिस है जो हुसैन के सीने का तावीज है। मैं बेउस्तादा नहीं, आखिरी मोहसिन जो भी पढ़ेगा ना, वो आखिरी बंदा मासूमा की शहादत पढ़ेगा। लेकिन ये अब पढ़ते जो हो कि थी सबसे छोटी दुख सबसे ज्यादा, अल्लाह तेरी नस्लों पर रहम करे। गिरिया बुलंद है, दुआएं भी मांगते हो, एक जुमला सुन लो, बाजार शाम में कुरान की कसम है जो हुण वडाले इस गल ते मजलिस मुक गई है, बंदे अगो पढ़न ही नहीं दिता। बाजार शाम में एक कुत्ते ने ना ऊंट को तेज दौड़ाने के लिए ताजियाना मारा, आधा ताजियाना ऊंट की पुश्त पे लगा,
आधा ताजियाना ऊंट के मुंह पे लगा। साहेब किताब लिखते है बेगैरत उमर साद कहते है ओए आज के बाद जानवरों को मुंह पे ना मारा करो। और ये मुंह से अल्लाह की तस्बीह करते है कौन जिन्हा दा मातम बुलंद है। जब कहा ना इन्हें मुंह पे ना मारा करो ये जानवर मुंह से अल्लाह की तस्बीह करते है। और सकीना आगे बढ़ के कहती है सज्जाद इसे के ओ मेरे जिस्म पे मारे ओ मेरे मुंह पे ना मारे ओ मैं मुंह से अल्लाह की तस्बीह। अल्लामान अल्लामान मकबूल तरीन मजलिस है। आखिरी लफ्ज लंबा मुसाहिब नहीं वक्त में रहते हुए आखिरी लफ्ज है ए तेरा सफर है हुन चोली फैला के दुआ करो मालिक तुझे शाम बुलाए। जो गए हो मालिक बार बार बुलाए जो नहीं गए जब सब आज दे दिन मेरी दुआ है मालिक आपको शाम बुलाए। शाम के बाजार से पहले एक मंजिल है जिसका नाम है कसर बिन मकातिल। बर्दाश्त कर लोगे जुमला कसर बिन मकातिल ये मंजिल है। अल्लाह गवाह है इस मंजिल पे ये पाकीज़ा काफिला रुका। अल्लाह जाने कितनी थकी थी हुसैन की बेटी हुण शर्मा के नहीं जिनकी चीखें बुलंद हैं। अल्लाह जाने भाई नवीद जी कितनी थकी थी ये यतीम बच्ची। तारीख कहती है बच्ची सो गई। अल्लाह जाने काफले को मजबूरी क्या बनी इन्होंने जल्दी से काफला चलाया। मैं वीर आ गए मैं और जल्दी कर रहा हूँ अगली मंजिल पे इन्होंने कोशिश की है हुसैन के सर वाला नेजा जमीन से उखड़े। जमीन से नहीं उखड़ता बगैरत ताजियाना लेके सज्जाद की पुश्त पे आया इसने ताजियाना जो मारा ना। सज्जाद फरमाते क्यों मार रहे हो कहते तेरे बाप के सर वाली सांग नहीं चल रही। जब कहना तेरे बाप के सर वाली पीर बारी चली जब कहना तेरे बाप के वाली सांग नहीं चलती। सज्जाद बाप के करीब आया अल्लाह जाने बाप ने क्या बात की है। सज्जाद रो के कहते हैं हमारा बच्चा पीछे पिछली मंजिल पे जो मातम कर रहे हो हमारा बच्चा पिछली मंजिल पे रह गया। बगैरत देख के कहते ओ बच्चे पहले भी गिरते रहे लेकिन तेरे बाप की सर वाली सांग नहीं रुकी। रो के सज्जाद कहते जो पहले गिरते थे वो बेटे थे अब सैयदों की गैरत रह गई। अल्लामान आखिरी लफ्ज़ है सैयदों की गैरत रह गई है हमारी बेटी रह गई। साहिब किताब लिखते हैं शिमर बेगैरत कहते हैं काफला यही रोको मैं बच्ची लेके आता हूँ। हमीद बिन मुस्लिम ईसाई राइटर लिखते हैं कि जब देखा ना शिमर घोड़े पे सवार है हमीद कहते मुझे पता था बच्ची शिमर से डरती। अजिना दे गिरिया बुलंदे जो छोटी औलाद वाले बैठे हो कहते मुझे पता था वो बच्ची इस शिमर से डरती है। कहते मैंने अपने घोड़े पे सवार हुआ कहीं ये कुत्ता यतीम बच्ची पे जुल्म ना करे। कहते जब मैं पहुंचा दिल दुखे मुझे माफ कर देना कहते जब मैं पहुंचा ना वो बेगैरत एक तमाचा मार चुका था वो कहते दूसरा मारने लगा। मैंने हाथ पकड़ के कहा बेवारस ना समझो मैं आ गया। जब कहा ना मैं आ गया एक मर्तबा और सैयदादी पीछे हटी रो के कहती है चाचा मर्जी से नहीं रुकी। ए हसरत दा जुमला वेखो रो के कहती है चाचा मैं मर्जी से नहीं रुकी। कहते जब मैंने समझा ना बच्ची ने मेरे सामने कुछ हौसला हो गया है। कहते बच्ची परेशान ना हो ओ मेरे साथ हूँ बैठ घोड़े पे और तुझे मैं काफले के साथ भी लाता हूँ है उन सैयदो कलेजा संभालना। जब कहा ना मेरे साथ बैठ अल्लाह गवाह है हमीद कहते चार कदम पीछे हट के कहती है ओ तुम चलो मैं छोटी बतूलू।
और मैंने तेरे साथ नहीं बैठना, मैं छोटी बतूल हूं। कहते फिर कैसे जाएगी, कहते तुम घोड़ों पे चलो और मैं पैदल चलती हूं। कहते जब हम घोड़ों पे पहुंचे और बच्ची पैदल काफले के साथ मिली, कहते मैंने समझा वो पुप्पी के पास जाएगी, कहते नहीं गई। मैंने समझा माँ के पास जाएगी, कहते बच्ची नहीं गई। मैंने समझा बाप के पास जाएगी और बच्ची नहीं गई। कहते जहां चाचे का सर था वो चाचे के नेजे के करीब आके कहती है ओ चाचा खोल, ओ चाचा मुझे तमाचे मारे गए, ओ चाचा मेरे तोड़ छी।